टाइम आई एम गेटिंग इनविटेशन फॉर अ होम डेकोर कम्युनिटी, अच्छा लगा, तुम लोगों को मजा आएगा. नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल. सो आज स्टार्ट करी हूँ मैं एक नया ब्लॉग. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे, जो अभी आपको पता चलेगा वीडियो में. सो मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मेरा घर काफ़ी कुछ अब रेडी हो गया है. एक्चुअली ना बहुत डिले हो गया मेरे को ना, मेरे फ्रेंड्स लोग भी फ़ोन कर करके डांट रहे थे कि अभी क्या कर रही है यार, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट. मैंने लिटरली किसी को भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ इस बार मेरे घर का. पिक्चर्स जैसे मैं किसी को नहीं भेजती हूँ, सब वीडियो के थ्रू देखते हैं, क्योंकि मैं उनको बोलती हूँ वीडियो में तुम लोगों को मजा आएगा, मैं तुमको आज पिक्चर भेज दूंगी, आधे का भेज दूंगी, दूसरे का भेजूंगी, तब मजा नहीं आएगा. पिछले बार जैसे मैं जब रेंटेड वाले में शिफ्ट हुई थी ना, मेरी फर्स्ट शिफ्टिंग थी, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग थी तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड. तो मैंने एक्साइटमेंट में इतनी फटाफट चीजें करी थी कि विद इन 10-15 डेज में आई थिंक आई रिलीज माय बैल्कनी मेकओवर. देन लिविंग रूम आ गया था फटाक से, वो आ गया था, बेडरूम आ गया था, किचन आ गया था, ऐसे फटाफट आया था. तो अभी मेरे एक साथ घिचपिच पता क्या हो गई कि मैं ना सारी चीजें एक साथ कर रही थी, मतलब बैल्कनी भी कर रही थी, साथ में लिविंग रूम भी कर रही थी, बेडरूम भी कर रही थी. मुझे बस ये था कि सब कंप्लीट हो भाई, सब कंप्लीट हो, ऐसे वाले चक्कर में. तो आपको ना बहुत ऐसे शेड्स दिखेंगे ऊपर नीचे होते हुए, क्योंकि सनलाइट आ रही है, सनलाइट जा रही है. बाय द वे मैं नहा धो करके बैठी हुई हूँ, मतलब मैंने शावर वगैरह ले लिया. आई नो मैं बिल्कुल नहीं लग रही हूँ, वो इसलिए नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैं आजकल क्या करती हूँ, मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद ऐसे मैसी बन बना लेती हूँ. जो थोड़े वेवी हेयर होते हैं ना, वैसे ही होता है. तो मेरे जो हेयर टाइप इज एक्चुअली स्ट्रेट, नेचुरली मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, तो मुझे वेवी हेयर बहुत पसंद आते हैं. और जो ऐसे कर्ली हेयर होते हैं ना, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट फैन ऑफ दोस काइंड ऑफ हेयर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे नहीं है. कुछ लोगों के होते हैं ना, मैं मतलब उनके बाल ही देखती रह जाती हूँ कि कितने सुंदर लग रहे हैं. सो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई. हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. लिविंग रूम का बस एक और सामान बचा है जो आइकिया से पार्सल हो चुका है. मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है शैली, शी वर्क्स इन आइकिया. एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं चौथी बार आइकिया आऊंगी ना, तो बहुत ही ज्यादा मतलब एक सामान के लिए बहुत वैसा हो जाएगा. मेरे को भिजवा दिया पार्सल वगैरह करवा के, क्योंकि मैं अगर ऑनलाइन करती ना तो वो ऑनलाइन में 10-12 डेज लेता है. मैंने सामान मंगवाया आइकिया का ऑनलाइन, बट बहुत दिन लगते हैं. दो इट्स अ मुंबई ओनली, बट स्टिल टाइम लगता है. हाँ, अब आज हम लोग रहे हैं अब विक्की के फ्रेंड्स के साथ कुलाबा मार्केट. विक्की के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने गाड़ी परचेस करी है, तो नई गाड़ी है, तो नई गाड़ी की ट्रीट और उन लोगों की शादी की ट्रीट बची हुई है. तो हम उनसे शादी की ट्रीट लेने जा रहे हैं और नई गाड़ी में घूमने जा रहे हैं उनके साथ. क्योंकि ना बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, और थाने में कंपेरेटिवली ह्यूमिडिटी कम होती है एज कम्पेयर टू जब आप साउथ साइड जाते हो, मतलब टाउन तरफ जाते हो. तो इसलिए मैं कुछ ऐसा ड्रेस पहनूंगी जिसमें हवा आती जाए. मैं जीन्स बिल्कुल नहीं पहनने वाली ना, क्योंकि समर है और इतनी ज्यादा हीट में हम लोगों को जाना है. मतलब हम पीक 11 बजे निकलने वाले, पीक जब सूर्य देवता निकल रहे होते हैं, अपनी रेस छोड़ रहे होते हैं, हम तब जाने वाले हैं. तो उसके लिए स्किन को अच्छे से प्रेप करूंगी मैं. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस मामा अर्थ का एलोवेरा फेस वॉश. सो एलोवेरा इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर एंड वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट फॉर ऑल स्किन कंसर्न, लेकिन उसको कटिंग, पीलिंग एंड अप्लाई करना डेली बेसिस पे थोड़ा सा मेसी एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है. तो मामा अर्थ ने लॉन्च किया है ये एलोवेरा फेस वॉश एंड साथ ही साथ एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर. तो इनके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अश्वगंधा, एलोवेरा एंड ग्लिसरीन. तो एलोवेरा आपके स्किन को हाइड्रेट, नरिश एंड सूथ करता है. अश्वगंधा है पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है, इट फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज एंड गिव्स यू अ यूथफुल ग्लो. ग्लिसरीन जो होता है इट हेल्प्स रिटेन द स्किन एसेंशियल मॉइस्चराइजर. तो फेस वॉश करने के बाद बारी आती है मामा अर्थ का एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर फॉर यूथफुल ग्लो. सो बेसिकली ये क्या करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. बहुत ही लाइट वेट जेल फॉर्मूला है, एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट्स हैं, आपको एक अच्छा यूथफुल ग्लो देता है. दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. ये मेड सेफ सर्टिफाइड है. मेड सेफ सर्टिफाइड का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स नहीं है, ये उसका प्रूफ होता है. इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया, इट्स दैट लाइट वेट, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. तो फेस वॉश के बाद आपको इसको लगाना होता है. ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डाल दूंगी. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे, यू विल गेट 20% ऑफ मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर. सो मामाअर्थ का ऐप भी अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं iOS एंड एंड्रॉइड का लिंक डाल दूंगी, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा. ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. सो आप जब भी मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल डायरेक्टली लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये, आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है एंड साथ ही साथ आप
अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. तो जल्दी से इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाऊंगी. तो फॉर माई सनस्क्रीन जेल आई एम गोइंग टू यूज दिस 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल. मतलब इसने ना मेरा जो फाउंडेशन या थोड़ा बहुत आप कंसीलर लगाते हो ना वो रिप्लेस कर दिया है. कंसीलर मैं लिटरली तभी लगाती हूँ जब मुझे पता होता है कि हाँ मुझे जरूरत है इसकी, अदरवाइज मैं यही यूज कर रही होती हूँ. द टिंटेड जेल इज सो अमेजिंग. एक अच्छा सा शाइन दे देता है आपके फेस को, और हल्का हल्का सा था ना, सिर्फ पिंक पीची टाइप का आपका फेस हो जाता है. लुक एट दिस, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा. ओके सो अभी ना जस्ट मैंने ना ये मेरे पास एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर है आइकिया का, जिसको मैंने लिटरली ऐसे करके बाहर निकाला. जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला ना तो ये बाहर आ गया. मैं विक्की से यही हंस रही थी. मैंने कहा बहुत अच्छा है कि हमने वार्डरोब वगैरह आइकिया की नहीं ली है, नहीं तो पता चलता गेट खोल रहे गेट हाथ में आ रहा है फिर उसको टाइट कर रहे खुद ही बैठ करके. ओके गाइस सो आई जस्ट गॉट रेडी. और मैंने ना एकदम सिंपल सा कॉटन का ड्रेस पहना है, बहुत ही ढीला सा, और पोनीटेल बांध लिया है क्योंकि मुझे पता है भयंकर गर्मी लगने वाली है. और अपना ये बैग ले लिया है, इसमें एक वाटर बॉटल है जिसमें पानी एकदम ठंडा रहता है. सो ऑल सेट, ड्रेस दिखाती हूँ. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस इज माय ड्रेस. इसके साथ मैंने ना बेल्ट भी लगा लिया है, बेल्ट है नहीं. तो अब मैं निकलती हूँ और वहाँ पहुँच के आपसे मिलती हूँ. हम लोग हमारी गाड़ी से भी नहीं जा रहे हैं, हम लोग जाने वाले हैं वाया ऑटो या कैब, जो भी मिल जाए इजीली. Are you excited? कुलाबा जाने के लिए. कुलाबा जाने के लिए मैं क्यों excited हूँ? क्योंकि मैं तो बहुत excited हूँ. साहब इन घरों की बैल्कनी देखो आप, इतनी अमेजिंग बैल्कनीज है ना. वो जो भी दिखता है स्लम एरिया दिखता है सामने से, बट बैल्कनीज आर अमेजिंग. बहुत बड़ी बड़ी बैल्कनी है. कोलाबा पहुंचते से ही सबसे पहले हम लोग दिल्ली दरबार गए बिकॉज बहुत तेज भूख लगी थी. और यहाँ पर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन बहुत लंबी क्यू थी, मे बी बिकॉज संडे था. और यहाँ से लंच वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए थे जो स्ट्रीट है कोलाबा स्ट्रीट, वहाँ पर जो लेन है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लिटरली कुछ भी बहुत पसंद नहीं आया, और प्राइस वाइज भी मुझे सही नहीं लगा. मतलब आई वुड से बैंड्रा इज़ वे बेटर देन दिस कोलाबा मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग. उसके बाद हम लोग पास में ही चौपाटी है वहाँ पर चले गए थे, एंड रश बहुत था तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया. एंड उसके बाद फिर हम घर आ गए थे. तो मेरी सब्सक्राइबर आने वाली है, आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू मीट विद हर. ओके गाइस तो अभी एक और सब्सक्राइबर आई है बड़ी प्यारी सी हमारे पास, ये है श्वेता. हाय श्वेता, कैसे लगा आपको घर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा. चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में. कल आपने देखा सब्सक्राइबर आई थी मेरी. तो एक और चीज, मेरे अभी तक जितने भी सब्सक्राइबर से मिली हूँ मुझे, मैं उनकी तो बहुत तारीफ करती हूँ सभी लेडीजों की, जितनी भी लड़कियों से फीमेल से मैं मिली हूँ अपने फीमेल व्यूवर्स से. मैं एक चीज अभी तक भूल गई हूँ, मैं एक कॉम्प्लीमेंट और सबके हस्बैंड के लिए देना चाहूंगी. मतलब सबके जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, जैसे विक्की हमारे साथ रहता है तो उनके हस्बैंड हमारे घर आते हैं या कहीं मॉल में टकराए हैं या मिले हुए हैं, दे ऑल्सो यू नो, वो लोग भी इतने वार्म तरीके से मिलते हैं, इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं कि वो देख के इतना अच्छा लगता है. तो वन शाउट आउट टू ऑल दी मेल सब्सक्राइबर्स, तो नहीं बोलूंगी जिन मेरे फीमेल सब्सक्राइबर्स के जो हस्बैंड है उन सबके लिए भी एक शाउट आउट है यार, ये मुझे बोलना था. मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार मैं सबकी सब्सक्राइबर्स की तो बहुत तारीफ करती हूँ, बट उनके हस्बैंड भी इवन कितने अच्छे होते हैं. क्योंकि जब वो जाते हैं ना तो हम लोग जैसे विक्की और हम भी डिस्कस करते हैं, मैं बोलती हूँ यार ये कितने अच्छे थे, मतलब ये कितने अच्छे थे, ऐसे हम लोग वी टॉक लाइक दिस वे. सो आज अभी मैं जा रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, और मैं जा रही हूँ आज एक मीट एंड ग्रीट पे. सो इट्स लाइक अ मीटअप है, एंड दिस इज नॉट, मुझे यूट्यूब के वाले मीटअप के लिए इनविटेशन नहीं आया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग इनविटेशन फॉर अ होम डिकॉर कम्युनिटी. जो डिकॉर कम्युनिटी है ना वो लोग सब आने वाले हैं, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और ये मुझे मेरे इंस्टाग्राम जो मैंने बनाया है उसके थ्रू मुझे आया है. सो कल मैंने ना उससे जिसके पेपर फ्राई वालों ने ऑर्गेनाइज किया है, एंड दिस इज द फर्स्ट पेपर फ्राई मीटअप काइंड ऑफ अ थिंग है. तो मैं कल उससे बात करी थी, जिससे मेरी बंदी से बात होती है वो पेपर फ्राई वाली जो है, तो उससे मेरी काफी बात होती रहती है. तो मैं उसको ही पूछ रही थी, मैंने कहा नाम बताओ कौन कौन आने वाला है, बिकॉज आई डोंट नो मतलब कौन आने वाला है क्या है. तो उससे जितने भी लोगों के नाम लिया लिटरली उनको नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता उनके पेज का नाम शायद कुछ और होगा, मैं शायद जानती भी होंगी बहुत अच्छा उनका कोई पेज होगा या जो भी होगा. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड क्योंकि न्यू कॉन्टैक्ट बनेगा, मैं नए लोगों से मिलूंगी. अच्छा लगता है मुझे नए लोगों से, मुझे आई रियली लव टू मीट न्यू पीपल, एंड
अलग अलग एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, अलग अलग आइडियाज मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो एक अच्छा लगता है मुझे बहुत मिलना लोगों से. सो आई एम जस्ट गेटिंग रेडी. तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या पहन करके जाऊँ. तो मैंने पहले पूछा था कि वहाँ पर कार पार्किंग अवेलेबल है कि नहीं है, बट मैं खुद ही थोड़ा विक्की बोल रहा था लेके जाओ कार, बट मैं थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी कि यार मुझे ये नहीं पता. मुझे जहाँ पता होता है कि यहाँ पार्किंग है, ऐसा है, मैं जहाँ जा चुकी हूँ पहले वहाँ मैं दोबारा चली जाती हूँ, बट एकदम नई जगह जाने में थोड़ा सा दिल में हल्का सा डुक डुक होता है कि मुझे नहीं पता ना वहाँ से फिर मैं निकाल पाऊंगी. निकाल तो लूंगी, बट स्टिल मैं थोड़ा, आज फ्राइडे भी आधे टाइम फंस जाऊंगी, 4 बजे से इवेंट है तो लगेगा शाम आते आते तो बहुत गंदा ट्रैफिक होगा, तो इसलिए भी मैं नहीं लेके जा रही हूँ कि आराम से फिर आऊंगी. सो यस, मैं पहले ड्रेस को वो करती हूँ, उसके बाद फिर रेडी होना स्टार्ट करूंगी. मैं सोच रही हूँ बाल को कर्ल करूँ कि स्ट्रेट रखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो लेट्स सी, वो अपन एंड में देखेंगे. पहले ड्रेस पहनते हैं और मेकअप करते हैं, फिर देखते हैं कि एंड में क्या करेंगे. ओके, सो आई जस्ट वोर माई ड्रेस एंड आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फाउंडेशन, बिकॉज भाई पूरा ना पानी में धुल जाता है. तो मैं हल्का सा ना कंसीलर लगा रही हूँ जस्ट टू कवर माई जो थोड़ा थोड़ा डार्कनेस है वो, और थोड़े बहुत जो ये ब्लेमिशेस हैं इनको कवर करने के लिए. दैट्स इट. नाउ आई एम यूजिंग नॉर्मल कॉम्पैक्ट यूज करूंगी, दैट्स इट, ताकि मुझे स्वेटिंग वगैरह ना हो. एंड मुझे ना फिर से बाल कट करवाने हैं, क्योंकि पीछे अगर आप देखोगे ना ये, तो ये वापस मेरे को कमर तक टच होने लग गए हैं. एंड मेरा ये था कि भाई मुझे अपने बालों को कमर तक टच करवाना ही नहीं है, मुझे शोल्डर तक ही रखने थे मैक्स. तो अभी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा दिन निकाल करके बाल कट करवाने के लिए जाऊँगी. सो आई जस्ट गॉट रेडी और फटाफट से रेडी हुई हूँ मैं. फटाफट तो नहीं, अच्छा खासा टाइम लगाया है मैंने, बट अब मैं भागा दौड़ी कर रही हूँ क्योंकि मेरी नहीं तो घर में रहने वाले लोग. हाँ, तो मेरी कैब भी बुक हो गई है, आ रही है, हीरानंदन हॉस्पिटल में है. सो ओके गाइज, लेट्स गो. तो जो मीटअप था वो चेंबूर पेपर फ्राई स्टूडियो में था. तो उन्होंने पहले हम लोगों को पूरा स्टूडियो टूर दिया, और पेपर फ्राई ने अभी आई थिंक मॉड्यूलर किचन भी स्टार्ट कर दिया है. तो वही सब वो एक्सप्लेन कर रहे थे, टेक्निकलिटीज़ की क्या है, कैसा है एंड ऑल दैट. और प्राइसिंग वगैरह तो नहीं पता मुझे, बट हाँ बाकी सारी चीज़ें वो ऐसे दिखा रहे थे स्टूडियो पे कि क्या क्या उनके पास, किस तरह के वुड का फर्नीचर है, मटीरियल एंड एवरीथिंग, और किस तरीके से उनका प्लानिंग चल रही है चीज़ें एक्सपैंड करने की एंड ऑल दैट. तो यहाँ पर हमने थोड़े बहुत गेम्स खेले इस तरीके से, क्विज वगैरह भी हो रहा था. आई वन अ प्राइज एज वेल. सो वो मैं आपको घर जा करके बताती हूँ, और अब मैं वापस से घर जा रही हूँ. Hey guys, so I'm back, और अभी आई हूँ, काफ़ी जल्दी आ गई मैं. एक्चुअली बहुत लंबा इवेंट नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक अ मीट एंड ग्रीट. जो लोग पेपर फ्राई के साथ एसोसिएटेड है, काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने उनको इन्वाइट किया था. तो क्योंकि आज फ्राइडे है और वीकडे है, तो कुछ लोग आज टर्न अप नहीं हो पाए हैं. इट वॉज ऑल इन ऑल अ नाइस मीटअप, काफ़ी अच्छा लगा. जो पेपर फ्राई की टीम थी स्पेशली उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दे वो वेरी गुड. हाँ, हम लोगों के वहाँ पर कुछ क्विज वगैरह हुए थे. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्विज का, वो ये था कि मतलब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे थे और आपको आंसर्स सिलेक्ट करना था. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही मैंने सही दे दिया था, मैंने पूफ बोला था, एंड बट द राइट आंसर वाज ओटमैन. तो मेरे बाद किसी और ने उसको ओटमैन बोल दिया, तो फिर उन्होंने बोला ओटमैन इज द राइट टेक्निकल वर्ड, सो यू शुड से ओटमैन. फिर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें विंग चेयर, मैंने एक्सेंट चेयर बोल रही थी. तो मतलब ये था कि आपको टेक्निकल नेम्स देने थे. तो सेकंड में फिर मैं जीत गई थी. तो फर्स्ट वी गॉट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कैंडल सेट, और दूसरा जो हमने उन्हें हमको एज अ गुडी टाइप का दिया है, इट्स लाइक ऐसे ब्यूटिफुल सा एक कार्ड दिया है प्यारा सा, और उसके साथ में एक ये बहुत ही प्यारा सा प्लांटर दिया है. मैं दिखाती हूँ पीछे से, दिस इज द प्लांटर. तो खाने का सामान भी है. सो ऐसा था कि आपको मतलब इट वॉज इन अ पैक्ड
पैक्ड मैनर में था, सो यू कैन ईट फ्रॉम देयर ओनली, या फिर आप घर भी जा सकते हो. तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं घर चली जाती हूँ बिकॉज मैंने शुरू से बचपन से ऐसा देखा है, मेरी मम्मी जब स्कूल में जॉब करती थी या कॉलेज में जॉब करती थी, कुछ भी उनको मिलता था वो मेरे लिए ज़रूर लेके आते थे. इवन इनफैक्ट माई डैड एज वेल, कुछ भी उनके ऑफिस में कुछ भी हो रहा है तो वो हमारे लिए ज़रूर लेके आते थे. तो बस वही मेरे अंदर था, तो मैंने कहा यार मैं अकेले नहीं खाती हूँ, जब ऑप्शन है घर जाने का तो मैं घर जाती हूँ, विक्की के साथ आराम से खाऊंगी. अभी उसकी कॉल चल रही है, वो कॉल से फ्री होगा तब हम बात करेंगे. आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ. इफ यू लाइक माई वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.